हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे 10 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और खबरें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों, इसकी जो थीम है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। और यह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और यह 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी गई थी, इसलिए यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का गठन किया था और 28 सितंबर 1993 से यह कानून लागू कर दिया गया था। अब यदि हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में देखें तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा, जो कि 12-10-1993 से 24-11-1996 तक इसके अध्यक्ष रहे। और यदि हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। और यदि हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रथम महिला सदस्य की बात करें तो प्रथम महिला सदस्य थी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी, जो कि 3-11-1993 से 24-1-1997 तक इसकी सदस्य रहीं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन में एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 7 मानद सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य वाली चयन समिति के सिफारिश पर की जाती है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और इनको अपने पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है। और अपना सेवाकाल पूर्ण करने के पहले राष्ट्रपति कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर इनको हटा सकता है। तो ये थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन अलंकरण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो यह दिया गया है पंडित गणपति भट्ट को। तो ये जो तानसेन अलंकरण पुरस्कार है, इसमें जो पुरस्कार राशि दी गई है वो है 5 लाख, और इसके पहले ये 2 लाख थी, जो कि अभी अभी 5 लाख कर दी गई है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की जो स्थापना है वह 1980 में की गई थी, जब से यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद, इन दोनों को वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये हैं आपके डेनियल बरेनबोइम और ये हैं अली अबू अब्बाद। जो डेनियल बरेनबोइम हैं, यह एक संगीत संचालक हैं, और जो अली अबू अब्बाद हैं, यह एक शांति कार्यकर्ता हैं। इन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। और यदि हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान को दिया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसमें 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो हाल ही में अभी म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है।
और म्यांमार से पहले यह दर्जा अफगानिस्तान के पास था, किंतु जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से यहाँ पर अफीम के उत्पादन काफ़ी कम हो गया है। इस वजह से दिसंबर में म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। म्यांमार में इस वर्ष 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन हुआ है। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही यहाँ पर अफीम की खेती में 95% की गिरावट आई है। नेक्स्ट, 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है पुष्पा भारती को, जो कि उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए इनको यह 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है। यदि हम व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हुई थी, जिसमें पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए दी जाती है और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। प्रथम विजेता की बात करें तो रामविलास शर्मा जी को 1991 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अगला क्वेश्चन, द मुगल लेडी का संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों, द मुगल लेडी यह एक पेंटिंग है जिसको कि फ्रांसिस्को रिनाल्डी के द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था और सातवीं आर्ट गैलरी में इसे नीलामी के लिए लाया गया है, जो कि लगभग अभी जो अनुमान है 5,25,00,000 रुपए में बिक सकती है। रेनाल्डी ने 1786-96 में भारत प्रवास के दौरान यह पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये जो पेंटिंग है 200 सालों में ये दूसरी बार इसको निकाला गया है। अगला क्वेश्चन, सरकार तुहाड़े द्वार स्कीम को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने 10 दिसंबर 2023 को लोगों के दरवाजे पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार तुहाड़े द्वार योजना को लुधियाना में लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत 43 सरकारी कार्यों को घर बैठे किया जा सकता है और यदि इन सेवाओं का लाभ उठाना है तो लोगों को हेल्पलाइन नंबर 1076 पर डायल करना पड़ेगा। तो यह एक काफ़ी अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व बैंक ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। यदि हम विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो यह एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तित हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है एवं पोषण स्तर में सुधार करने और लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने मुख्यालय रोम इटली में की गई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस झील में समुद्री एम्पी पोड की एक नई प्रजाति डेमोचेस्टिया एलानिसिस पाई गई है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में चिल्का झील में इस प्रजाति की खोज की गई है और यह खोज किसके द्वारा की गई है? ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है और इस प्रजाति का जो नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क आयरलैंड के वैश्विक विशेषज्ञ प्रोफेसर एलन मायर्स के नाम पर रखा गया है। और इस खोज के साथ ही डेमोचेस्टिया जीन्स में वैश्विक प्रजातियों की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है? 6। नई प्रजाति की विशेषता इसका सफ़ेद रंग है जिसकी लंबाई 15 मिलीमीटर से कम है और जिसमें 13 जोड़ी पैर विभिन्न कार्य करते हैं, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रजाति की खोज अभी हाल ही में की गई है। अगला क्वेश्चन, विनबैक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो विनबैक्स 2023 युद्ध अभ्यास होता है वियतनाम और भारत के बीच में और
बिनबैक्स 2023 इस युद्ध अभ्यास का चौथा संस्करण है, जो कि 11 से 21 दिसंबर 2023 के बीच हनोई वियतनाम में किया जाएगा और इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2018 से हुई है और जिसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता नाम से विशेष बचत बैंक खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता नाम से महिलाओं के लिए विशेष बचत बैंक खाता लॉन्च किया है। जिन महिलाओं की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, ऐसी महिलाएं यह खाता खुलवा सकती हैं। इस खाते के अलग अलग बेनिफिट हैं। इस खाते में महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है और इसमें महिलाएं हेल्थ इंश्योरेंस और वेलनेस प्रोडक्ट्स पर छूट का लाभ उठा सकती हैं। गोल्ड और डायमंड सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर महिलाओं को लॉकर सुविधाओं पर छूट मिलती है और रिटेल लोन पर कम ब्याज दरों की हकदार होंगी और प्रोसेसिंग चार्ज पर भी इसमें छूट मिलती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को, जिसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और पहली बार यह 2018 में मनाया गया था। वर्ष 2023 में इसका 6th संस्करण मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, यह अवार्ड दिया गया है अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। फिनलैंड में 11 दिसंबर 2023 को इस संगठन को यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में 3,00,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं और इस संगठन ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत काम किया है, इसलिए यह अवार्ड इस संगठन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो अपने भारत देश में हो रहा है। भारत में नई दिल्ली में 11 से 14 दिसंबर के बीच में इस 27वें वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। यदि हम वाइपा की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों IPA के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। उनको यह नेटवर्किंग प्रदान करता है और निवेश प्रोत्साहन में सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 कौन जीता? तो दोस्तों, जर्मनी ने वर्ष 2023 का पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है और जर्मनी ने फ्रांस को 2-1 से हराकर यह 13वां संस्करण अपने नाम किया है। इसका जो आयोजन है वो 5 से 16 दिसंबर के बीच में कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। तीसरे स्थान पर स्पेन रहा और जो हमारा भारत है वो 4th स्थान पर रहा। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 10वां संस्करण नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, डोडो विलोपन परियोजना किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों, यह परियोजना मॉरिशस के द्वारा शुरू की गई है। मॉरिशस में वैज्ञानिकों ने डोडो को वापस जीवन में लाने और इसके मूल निवास स्थान में फिर से स्थापित करने के लिए यह महत्वाकांक्षी डोडो डी विलुप्त डोडो डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये जो डोडो पक्षी है ये दुनिया से विलुप्त हो चुका है, इसको वापस लाने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है और यह जो परियोजना है जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस और मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की साझेदारी से शुरू हुई है। जो डोडो है यह हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप का एक उड़ानहीन पक्षी था। यदि हम इसकी IUCN स्थिति देखें तो यह इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है, जो कि 17वीं शताब्दी में विलुप्त
हो चुके थे। और किन कारणों से यह विलुप्त हुए थे? इंसानों के द्वारा शिकार किया गया इनका, इंसानों के साथ साथ कुत्ते बिल्ली आदि द्वारा भी इसका शिकार किया गया, जिसके कारण यह दुनिया से विलुप्त हो गए हैं, जिसको कि वापस लाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनाइल IAADB 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो इसका आयोजन है वो दिल्ली में किया जा रहा है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 से 15 दिसंबर तक दिल्ली के लाल किले पर इसका आयोजन किया जा रहा है और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की कितनी विकास दर अनुमानित की गई है? तो दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 6.7 अनुमानित की है, जबकि सितंबर 2023 में ADB ने यह जो ग्रोथ है 6.3% अनुमानित की थी, जिसको कि अभी बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6.7%। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने अमृत प्रौद्योगिकी शुरू की है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों के हटाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन और IIT मद्रास द्वारा यह योजना विकसित की गई है। इसका यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट अमृत। इसमें नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को हटा देता है। आर्सेनिक एक बहुत ही हार्मफुल एलिमेंट है, जो कि पेयजल और भोजन से लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा पर घाव जैसे गंभीर परिणाम दे सकता है। और आर्सेनिक की लगातार विषक्तता से ब्लैकफुट रोग हो सकता है, जो निचले अंगों में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो परीक्षण है वो किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO ने भारत के स्टील्थ लड़ाकू ड्रोन के लिए ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह एक प्रकार का स्वदेशी उच्च गति वाला फ्लाइंग विंग युक्त मानव रहित हवाई वाहन है, जिसको कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों, अंतिम पंगाल को खेल की वैश्विक शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, जो कि 19 वर्षीय भारतीय पहलवान है, जो कि 53 किलोग्राम भार कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करती हैं। अब हाल ही में जो देश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे हम देख लेते हैं कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री बना और किस राज्य में किस दल ने बहुमत हासिल किया। तो दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा 163 सीट के साथ विजयी रही और इन्होंने जो अपना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुना है, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विजयी रहे थे। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी भाजपा 115 सीट के साथ बहुमत हासिल करने में कामयाब रही और इन्होंने भजनलाल शर्मा, इनको अपना मुख्यमंत्री चुना है, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जयपुर की सांगनेर सीट से विजयी रहे थे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ही 54 सीट के साथ बहुमत हासिल किया और इन्होंने विष्णुदेव साय को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, जो कि जसपुर की कुनकुरी सीट से विजयी रहे थे। यदि हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीट के साथ बहुमत हासिल किया और इन्होंने अनुमला रेवंता रेड्डी को अपना CM नियुक्त किया है, जो कि कोंडगल विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे थे। और यदि हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट
ने 27 सीट के साथ बहुमत हासिल किया, जिन्होंने लाल दुहुमा को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि शेरशिप विधानसभा सीट से विजयी रहे थे। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और खबरें लेकर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।